नमस्कार, वेलकम बैक टू माय टेरेस एंड किचन गार्डन। आज मैं आपको एक प्लांट्स के बारे में बताने जा रही हूँ। इस प्लांट का नाम है वंडरिंग जू। ये देखिए, ये आप बास्केट में भी लगा सकते हैं और ज़मीन वाले पॉट में भी लगा सकते हैं। ये देखिए कितने अच्छे से, ये मैंने केवल इतनी इतनी सी ब्रांचेस लगाई थी। ये देखिए कितना फैल गया है रेनी सीजन में। आप ये प्लांट एक बार घर में आ जाए तो आपके घर से जाएगा नहीं। ये आप कहीं से भी, ये देखिए इसमें से जड़ निकल रही है, आप कहीं से भी कट करके प्लांट में लगा सकते हैं। ये देखिए कहीं से भी कट करके आप लगा सकते हैं तो आसानी से लग जाएगा। अगर इसको ज़्यादा धूप की ज़रूरत नहीं है ना ज़्यादा छांव की, अगर इसको ज़्यादा धूप में रखेंगे तो पौधा मर जाएगा और ये पत्तियों में जो लाइनें बनी हुई हैं ये कलर नहीं आएगा। ये मैंने प्लांटर में भी लगाया है, आप इसको कहीं से भी कट करके, जड़ें निकल रही आप लगा सकते हैं। ये मैंने ऑयल की कट्टी में लगाए हुए हैं। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है। ये धूप में वीडियो अच्छे से नहीं बनी थी तो इसमें देखिए आप ये लाइन देख सकते हैं। ये जो इस पे जो धारियां बनी हुई हैं, अगर आप प्लांट को धूप में रखेंगे तो इनका कलर उड़ जाएगा, इसलिए इसको ना तो ज़्यादा धूप की ज़रूरत होती है ना ज़्यादा छांव। नमस्कार, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।